नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक कंडेंस्ड माइक का रिव्यू करूंगा जो मोनो कंपनी का है और मॉडल की बात करूं तो ये AU-A04 Plus है। अभी जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो इसी माइक से रिकॉर्ड की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस माइक की रिकॉर्डिंग कैसी है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी पैकिंग की बात करूं तो ये प्रोडक्ट शानदार पैकेजिंग के साथ आता है। इसके बॉक्स पर कंपनी की ब्रांडिंग की गई है। ये एक USB माइक है और यहाँ पर मॉडल नंबर दिया हुआ है। बॉक्स के बाकी हिस्सों में भी कंपनी की ब्रांडिंग है। बॉक्स के इस पार्ट पर इसके सारे फीचर दिए हुए हैं। इस माइक की बात करूं तो ये हाई रेजोल्यूशन सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। मैक और विंडोज दोनों पर ये कंपैटिबल है। हार्ट शेप पैटर्न में ये वॉइस रिकॉर्ड करता है। इसमें 16mm का कंडेंसर लगा हुआ है। इसमें प्रोफेशनल साउंड चिपसेट लगा हुआ है और इसकी केसिंग की बात करें तो फुल मेटल है। USB प्लग एंड प्ले फीचर पर वर्क करता है। आपको अलग से इसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए अब इस बॉक्स को खोलते हैं। मैं सारा सामान इस बॉक्स से निकाल कर टेबल पर रखता हूँ। तो सभी सामान आपके सामने हैं। ये प्रोडक्ट कंप्लीट सेट के साथ आता है। इसके स्टैंड की बात करूं तो काफ़ी शानदार है। USB केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लेंथ भी बहुत बड़ी है। माइक की क्वालिटी की बात करें तो जैसा पहले बताया था, ये फुल मेटल का बना हुआ है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। आइए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। इसको आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला आप टेबल ट्राइपॉड पर लगाकर और दूसरा माइक्रोफोन स्टैंड लगाकर। यहाँ मैं दोनों तरह से इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले इसे टेबल ट्राइपॉड पर लगाकर देखते हैं। ये सभी सामान यहाँ यूज होने वाला है। तो सबसे पहले ट्राइपॉड को माउंट रिंग में लगाते हैं। लगने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। अब हम इस माइक को इसमें फिट करेंगे। इसे लगाने के लिए माइक को इसके अंदर डालना है और नीचे से इसे स्क्रू की तरह टाइट कर देना है। अब USB केबल इसके नीचे लगाते हैं। USB के दूसरे हिस्से को लैपटॉप या PC में कनेक्ट कर देना है। तो ये बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर विंड स्क्रीन कैप भी लगा सकते हो। माइक के ऊपर आपको कंपनी का लोगो दिखाई दे रहा होगा, तो वो हिस्सा हमारे फ्रंट में होगा क्योंकि वॉइस इसी तरफ से कैप्चर होगा। अब इसको हम बड़े स्टैंड पर फिट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेबल क्लैंप को टेबल में लगाना है। अब स्टैंड के इस हिस्से को इसमें डालकर टाइट कर देना है। स्टैंड इस तरह से ओपन और फोल्ड होगा। अब स्टैंड के इस हिस्से में शॉक माउंट लगाएंगे। शॉक माउंट के सेंटर में माइक को इंसर्ट करना है। उसके लिए इन क्लिप को प्रेस करना है और माइक को सेंटर में डाल देना है। उसके बाद क्लिप को छोड़ देना है। माइक बिल्कुल फिट हो जाएगा। हमारा माइक बिल्कुल फिट हो गया है। अब USB वायर को माइक के नीचे लगा देंगे। अब पॉप फिल्टर को भी लगा देते हैं। विंड स्क्रीन कैप को भी लगा देते हैं। अब हमारा सेटअप बिल्कुल तैयार है। आइए अब इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। ये रही हमारी स्क्रीन। अब रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। अगले कुछ सेकंड के लिए मैं बोलना बंद करता हूं। तो देखा आपने, नॉइस ना के बराबर कैप्चर किया है। ऑल ओवर प्रोडक्ट शानदार है। एंट्री लेवल के लिए काफी अच्छा माइक है।
अगर आपका बजट कम है और एक अच्छे माइक की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी शानदार है इस माइक की। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।